पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट कहलाई जाने वाली कराची की आहिया चुंदरीगढ़ रोड के आगाज में एक खतरनाक गढ़ा बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक्स और तजारती कंपनीज के मुलाजमीन का इस्तकबाल कर रहा है। अली इमरान सैयद शाहीन कॉम्प्लेक्स के मकाम से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, हुकूमतें मुख्तलिफ ममालिक में इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स तरतीब देती है ताकि सरमायाकार मुल्क में आए। यहाँ पे आया चुंदरीगढ़ रोड मुल्क का वॉल स्ट्रीट कहलाया जाता है। यहाँ से कुछ दूर सीएम सिंध रहते हैं, पीआईडीसी हो या होटल मेट्रोपोलो, और ये यहाँ शाहीन कॉम्प्लेक्स, ये बहुत करीब वजीर आला हाउस के इलाके हैं और गुज़िश्ता 3-4 साल से यहाँ पे सिंक होल्स नमूदार हो रहे हैं। कहा जाता है कि पाइपलाइन पुरानी हो गई, तो आखिर उसकी रिप्लेसमेंट में कराची जैसा बहुत ज्यादा टैक्स देने वाला जो शहर है उसमें कौन सा ऐसा मसला है कि यहाँ पे जो है वो पाइपलाइन तब्दील कर दी जाए। शहर में मुख्तलिफ नालों में बच्चों के डूबने की और उनकी लाशें मिलने में दिक्कत की सूरत हाल, और ये जो सिंक होल अगर कैमरामैन हमारे सजाद फिर दिखाएं, इसमें अगर पानी भरा हो रोड पे और आपको नहीं अंदाजा और आप इसमें डूब जाए तो कितनी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। और ये कहा जा रहा है कि पहले एस्टिमेट लिया जाएगा, जगह जगह रोड टूटे हुए हैं, जबकि कोई भी इतने बड़े शहर में जब रोड टूट जाए बारिश से तो फौरी तौर पे उनकी रिपेयर होती है, बजाय ये कि उसके एस्टिमेट का अंदाजा लगाया जाए। तो एक बदकिस्मत सूरत हाल कराची की है, और ये जो कहा जाता है कि इस शहर को इग्नोर किया जाता है हर किसी की जानिब से, ये बिल्कुल सही महसूस होती है। जी।